सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम क्लास 10th। ठीक है, तो 8.1 का पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकेंड पॉइंट साइन सी कॉमा कॉस सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लेट से ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है जिसमें ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर रहेगी और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन, और आप लोगों से डिटरमाइन करवा रहा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस ए, और सेकेंड पॉइंट में साइन सी और कॉस सी। इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंट है, एंगल्स का डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों की क्या होती है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत पहले सीख रखा हमने, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हम लोगों को नहीं पता कितनी है, बेस हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर इज 49, और आप लोग जब इसे ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो इसे 25 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर हो गए। हम लोगों को साइन ए निकालना है, साइन ए, और दूसरा निकालना है कॉस ए। ध्यान करो, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पापा बीड़ी पी हो गए, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, क्या बात, बैठे हो पापा से। ये किसके लिए था, साइन के लिए, और इसके उल्टा कॉसेक के लिए, और ये किसके लिए था, कॉस के लिए, और ये टैन के लिए, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। आप लोगों को चाहिए साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी है अभी आप लोगों ने निकाली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने निकाली 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है ए बी, और हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी। ए बी कितना है हमारे पास 24, और ए सी हमारे पास 25। ठीक है, तो चाहे तो सेंटीमीटर लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाना है। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है कि साइन सी और कॉस सी क्या है हमारे पास। देखो, उसको समझने के लिए पहले इस ट्राइंगल को समझना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में जिस एंगल को वो पूछता है साइन ए, तो वो एंगल बेस पर रहना चाहिए, यानी कि वो एंगल नीचे रहना चाहिए। तो ये एंगल नीचे था, अब हमें लोगों को बोल रहा है वो साइन सी निकालो, इट मीन्स ये एंगल बेस में रहना चाहिए। तो आप इस ट्राइंगल को पकड़ के इस तरीके से घुमा देंगे, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं, ऐसे कर लेते हैं बात। ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसे है, तो हम लोगों को इस तरीके से इसे उठाना है, तो हमने इसे उठा के यहाँ रख दिया, तो ए हमारे पास ऊपर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, और सी इधर आ जाएगा। बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को साइन ए सी चाहिए, साइन सी। साइन के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है 24, और हाइपोटेनियस कितनी है 25। देखते हैं साइन सी में और साइन ए में डिफरेंस है क्या,
साइन ए 7/25 और साइन सी 24/25। व्हाई दिस इज द डिफरेंस? बिकॉज ऑफ द एंगल। इस एंगल की वजह से इसके बेस और परपेंडिकुलर पर फर्क पड़ा, इस वजह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस भी चेंज हो गए उसके, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनियस तो सेम रहा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए उसके। साइन सी, अब क्या चाहिए हमें? कॉस सी। कॉस के लिए फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही रहे, यानी कि जो कॉस ए है वो साइन सी हो गया और जो साइन ए है वो कॉस सी हो गया। इतना दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, बस किस में दिमाग लगाओ? खाली ए और सी किस तरीके से रेसिप्रोकल होने, यानी कि ट्राइंगल किस तरीके से घुमाना है, ये है मेन मुद्दा, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो काफी टाइम है भाई, एक हुनर दिखाओ बच्चों। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सही लिखा? सेटिस्फैक्ट्री। और देखते हैं राइट हैंड, ठीक है। तो दोनों में राइटिंग सेम, तो यह है आपके मुनव्वर सर का एक छोटा सा हुनर। हुनर क्या है? बहुत मेहनत करी है भाई साहब, बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर। पी क्यू आर 13 सेंटीमीटर। लगता है मुझे यार इस कमरे में एसी लगवाना पड़ेगा, बहुत ही गर्मी होने लगी, ठीक है। लेकिन पता नहीं ये वीडियो कब तक पड़े, शायद जाड़ों में पड़े। सॉल्यूशन आप लोगों को क्या चाहिए? बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखते रहे पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास? 13। वाओ, 13 स्क्वायर। बेस कितनी है? QR, QR स्क्वायर। परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144, प्लस का नंबर इधर आकर माइनस होगा, 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और ये माइनस हो गए 25 बच रहा है, इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो 5 हो गई QR की वैल्यू, 5। अब वही अभी फॉर्मूला PBP अपॉन HHB, ठीक है। tan P चाहिए, मतलब sin cos tan, tan के लिए बनता है, तो tan P चाहिए हम लोगों को, और cot R चाहिए। पहले R ले लेते हैं, कॉट आर, क्योंकि आर नीचे है हमारे पास, तो आर में यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर चलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट नीचे होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 5, और परपेंडिकुलर कितना है? 12। अब हम लोगों को चाहिए टेन पी, इसके लिए हमें ट्राइंगल को थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, इसे नीचे ले आते हैं, तो आर ऊपर पहुंच जाना है, Q इधर रह जाएगा और P नीचे। अभी बताया था किस तरीके से घूमेगा, ठीक है, एक बार फिर घुमा के देख लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि जब भी तो P नीचे आ जाएगा, और जब भी P नीचे आया R ऊपर पहुंच गया। अब वैल्यूज को पुट कर दो वहाँ पे, क्या क्या वैल्यूज हैं, तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो था, यानी कि पी क्यू ढूंढ लेते हैं पहले, पी क्यू, पी क्यू है 12, और ये 5, और इधर कितनी है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा दियो, कभी यूनिट का टीचर नंबर काट ले। तो टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 12। वाओ, दोनों सेम आए। आप लोगों को चाहिए टेन पी माइनस कॉट आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर ATQ। तो टेन पी कितना? 5/12 माइनस कॉट 5/12, माइनस करोगे तो ये तो वैसे क्रॉस हो रहे हैं, तो आंसर बिकम्स 0।
सो बड़ा इजी था ये तो क्वेश्चन, अब आगे बढ़ें। ठीक है पहले देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही वीडियो, अरे अभी तो काफ़ी टाइम है। चॉप की आवाज़ आ रही है भाई, डरो मत। तो तैयब किस तरीके से रहेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। हाँ यार सही करो, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है साइन ए की वैल्यू 3/4 है, हम लोगों को जो फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है ए बी सी, ए यानी कि ए इधर बी इधर सी इधर, इस एंगल का भी ध्यान रखेंगे। साइन ए कितना है 3/4, अभी फॉर्मूला पूछा है आपसे पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 ऑलरेडी है, और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर तो 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 4 हो जाना है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 4। आप लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एग्जाम में जब तुम लोग करो तो अच्छे से लैंग्वेज देते रहना, ठीक है वही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। हाइपोटेनियस कितनी है इसकी 4 स्क्वायर, बेस कितनी है ए बी, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर, तो 16 - 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 - 9 कितना होता है 7, तो स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा इज इक्वल टू ए बी। हम लोगों ने सही करा कि ए बी की वैल्यू रूट 7 आ रही, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। वाह हाइपोटेनियस 4 3, अरे बिल्कुल सही करा है यार, मैं तो मैथ में तेज़ हो गया भाई। ठीक है तो हम लोगों को कैसे ये फाइंड करना है हमें कॉस ए, कॉस ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है साइन ये किसके लिए होता है, कॉस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है, बेस तो अभी निकाली √7, बेस √7 अपॉन हाइपोटेनियस इज 4। कॉस ए फाइंड चाहिए था हमें, और टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये होता है टेन ए। ठीक है परपेंडिकुलर कितना है 3/√7, इसके आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि सही भी है या नहीं। 8.1 Yes. ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड sec A। ठीक है देखो पहले cot है का, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में चला जाता है, cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाना है। ट्राइंगल बनाओ, ठीक है ए बी सी नाम दो, cot के फॉर्मूले क्या होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 15। फॉर्मूला हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है ए सी स्क्वायर, बेस कितनी है 8 का स्क्वायर 64, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर 225। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 8 और 2, 289 किसका स्क्वायर होता है भाई 17 का स्क्वायर होता है, देख लो तो, अगर नहीं पता तो 17 के टेबल पढ़ लो, चाहे 7 से पढ़ लो, 7 7 49, 7 1 7, 7 7 7 4 11, 7 1 9 8 2। यस दोबारा ए सी इज इक्वल टू 17, ए सी की वैल्यू 17 आ गई। आप लोगों से क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों से पूछता है कि साइन ए निकालो। साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, समझ में आ रही बात नहीं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस 17। ठीक है साइन के वर्ड के निकालना हो, साइन के वर्ड निकालना sec है, एस ई सी ए sec, sec क्या होता है, ओह सॉरी sec,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितनी है 17 और बेस कितनी है 8। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सी क्या है, लेकिन खैर कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो इजी है, आप चाहो तो मैं करूँ या तुम करो, मैं ही कर दूंगा चलो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।